हेलो गाइस, वेलकम टू स्टेनो लर्निंग। टुडे वी विल डू दी लेसन वन, इंट्रोडक्शन टू स्टेनोग्राफी। अवर फर्स्ट पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन टू स्टेनोग्राफी इज इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। So, you have learned to read and write English language. आपने English language को पढ़ना और लिखना दोनों सीख लिया है. You must have learned an Indian language as well. आपने जो हमारी Indian language है उसको भी सीखा है, ठीक है? So, you are quite familiar with their scripts और अल्फाबेट्स। तो आप उनकी जो अल्फाबेट्स है, उसकी जो लैंग्वेज है, आप उससे फैमिलियर हैं। बट डू यू नो दैट दिस स्क्रिप्ट्स आर नॉट फास्ट इनफ टू राइट द लैंग्वेज एज क्विकली एज यू माइट रिक्वायर। पर आप जानते हैं कि ये जो हमारी लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है, या फिर जो हमारी हिंदी लैंग्वेज है, वो उतनी फास्ट नहीं लिखी जाती जितनी की हमें ज़रूरत होती है। लुक एट द एग्जाम्पल बिलो वेयर इन अ वर्ड एंड अ सेंटेंस यू हैव बीन रिटन बोथ इन इंग्लिश स्क्रिप्ट एज वेल एज इन शॉर्ट हैंड। नीचे एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने समझाया है, आपको समझाया गया है, जिसमें कि दोनों तरीके की स्क्रिप्ट लिखी गई है, इंग्लिश भी और शॉर्ट हैंड भी, जिससे कि आपको पता चलेगा कि जब हम इंग्लिश में लिखते हैं या फिर हम हिंदी में लिखते हैं तो उसको लिखने में टाइम ज़्यादा लगता है, बट अगर हम शॉर्ट हैंड में लिखेंगे तो हमारा टाइम कम लगेगा उस स्क्रिप्ट को लिखने में, ठीक है? हम इंग्लिश शॉर्ट हैंड पढ़ेंगे, हिंदी शॉर्ट हैंड नहीं पढ़ेंगे, हम यहाँ पर इंग्लिश शॉर्ट हैंड पढ़ रहे हैं, क्लियर? बट हिंदी शॉर्ट हैंड भी होती है। दोज हु आर इंटरेस्टेड इन हिंदी शॉर्ट हैंड वो हिंदी शॉर्ट हैंड भी सीख सकते हैं, बट यू नो दैट कि इंग्लिश लैंग्वेज इज कंपल्सरी एवरीवेयर, तो ज़्यादातर लोग इंग्लिश शॉर्ट हैंड को ही प्रिफर करते हैं सीखना, क्लियर? कंपेयर द मूवमेंट्स ऑफ पेन एंड टाइम टेकन इन राइटिंग द वर्ड एंड द सेंटेंस इन इंग्लिश एंड शॉर्ट हैंड। आप दोनों का पेन का मूवमेंट और टाइम चेक करना वाइल आई एम writing the and making the script and I am writing the shorthand, ठीक है? तो आप compare करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस sentence ने English ने ज़्यादा time लिया और shorthand ने कम time लिया। You will definitely find the difference, clear? Our first example of English script is No, which we will write in the shorthand. So, how we write no? No. Okay? Next is I do not know. Then I do not know. Okay? So, as you can see that the comparison between the English script and the shortened script, that when we write the English script it takes time, and while when we are converting English script to shortened it takes less time. So now you can compare the both the script, what is the difference in the shortened and the other scripts, clear? Other scripts takes time and shortened takes less times, clear? Don't you see that
the word no and the sentence I do not know have very small and short outlines in shorthand. आपने देखा कि जो वर्ड था हमारा नो और जो हमारा सेंटेंस था आई डू नॉट नो, उसकी जो थी बहुत ही छोटी और शॉर्ट आउटलाइन थी शॉर्ट हैंड में. डू यू सी दैट? सिंस द लैंग्वेज स्क्रिप्ट आर नॉट फास्ट इनफ देयर अरोज अ नीड फॉर ए स्पीडी स्क्रिप्ट टू राइट अ लैंग्वेज एज क्विकली एज यू माइट रिक्वायर. जो हमारी लैंग्वेज स्क्रिप्ट्स हैं चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो वो उतनी फास्ट इनफ नहीं है जितनी कि हमें रिक्वायर होता है, रिक्वायरमेंट होती है, उतनी फास्ट नहीं होती. ओके, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट शॉर्ट हैंड इज. तो शॉर्ट हैंड क्या है? स्पीडी स्क्रिप्ट है जो कम टाइम में हम ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स लिख सकते हैं. ये ज्यादा वर्ड्स हम तभी लिख पाएंगे, ये हमारे स्पीड पे डिपेंड करेगा. क्लियर? फॉर दैट वी नीड प्रैक्टिस. द शॉर्ट हैंड हैज ए सच ऑल द क्वालिटीज टू रिकॉर्ड द ह्यूमन वॉइस स्पीडली. शॉर्ट हैंड में ये सारी क्वालिटीज है कि जो हम बोल रहे हैं ह्यूमन वॉइस है उसको वो स्पीडली स्पीड में स्पीड राइटिंग में उसको लिख सके. ऑर्डिनरली शॉर्ट हैंड राइटिंग इज 6 टाइम्स क्विकर देन द लैंग्वेज राइटिंग. शॉर्ट हैंड राइटिंग 6 टाइम 6 गुना ज्यादा फास्ट है हमारे लैंग्वेज राइटिंग के कंपैरिजन में. क्लियर? In order to record the human voice into neat and clean shorthand script and to transcribe the same accurately, you will require thorough knowledge of the principles of the system of shorthand aided by a good background of the language. अगर आपको human voice neat and clean शॉर्ट हैंड स्क्रिप्ट में लिखनी है और उसको सेम ही ट्रांसलेट करना है जैसे कि वो वॉइस बोला गया है, तो आपको जो प्रिंसिपल हैं सिस्टम ऑफ शॉर्ट हैंड के उसके नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है. विदाउट नॉलेज ऑफ द एनी न्यू स्क्रिप्ट आप उसको ट्रांसक्राइब या फिर उसको आप नहीं लिख सकते. राइट? आप उसको रिटर्नली नहीं लिख सकते जब तक आपको उस नॉलेज की, उस लैंग्वेज की या उस स्क्रिप्ट की नॉलेज नहीं है. ओके, जब हम स्कूल जाना स्टार्ट करते हैं हम इंग्लिश लैंग्वेज लिखते हैं, अल्फाबेट्स लर्न करते हैं, सेम हम हमारे व्यंजन पढ़ते हैं हिंदी लैंग्वेज में, तो सेम यहाँ पर भी सेम थिंग एप्लीकेबल हेयर ऑल्सो इन शॉर्ट हैंड. सो द नॉलेज ऑफ द शॉर्ट हैंड इज रिक्वायर टू बिकेम ए गुड स्टेनोग्राफर. विद द इन्वेंशन ऑफ द टाइपराइटर एंड ट्रांसक्रिप्शन ऑफ नोट्स रिटन इन शॉर्ट हैंड इज नाउ डन ऑन ए टाइपराइटर कंप्यूटर. जब टाइपराइटर का इन्वेंशन हुआ देन जो ट्रांसक्रिप्शन ऑफ नोट थे शॉर्ट हैंड के वो किस में लिखे जाने लगे? टाइपराइटर में. और अब कंप्यूटर में भी किया जाता है. तो जो डॉक्यूमेंट टाइप होते हैं, ट्रांसक्रिप्ट होते हैं, वो अब कंप्यूटर और टाइपराइटर पे होते हैं, जिससे कि टाइप भी कैसे होते हैं? स्पीडली, एक्यूरेटली एंड नीटली. ओके, सो फॉर द टाइपिंग वी आल्सो नीड द स्पीड, एक्यूरेसी, जस्ट लाइक द
shorthand. Thus, the term stenography has now come to be used in a wider sense to represent the combination of three skills, shorthand, transcription and typewriting. जो टर्म है स्टेनोग्राफी का वो अब बहुत ही वाइडर रेंज में यूज होता है और ये तीन चीजों के तीन स्किल के कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करता है विच इज शॉर्ट हैंड ट्रांसक्रिप्शन एंड टाइपराइटिंग. शॉर्ट हैंड में हम लिखेंगे, ट्रांसक्रिप्शन मीन्स जो हमने शॉर्ट हैंड में लिखा है उसको हम ट्रांसलेट करेंगे जिस भी स्क्रिप्ट में हमने लिखा है. अगर हमने इंग्लिश की शॉर्ट हैंड ली है तो हम उसको ट्रांसक्रिप करके, इंग्लिश शॉर्ट हैंड को ट्रांसक्रिप करके हम अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखेंगे और फिर उसको टाइपराइटर या फिर कंप्यूटर पे टाइप करेंगे. सो स्टेनोग्राफी रिप्रेजेंट द कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री स्किल्स विच इज शॉर्ट हैंड ट्रांसक्रिप्शन एंड टाइपराइटिंग. While the shorthand and transcription shall form the content of these lesson, you will also have to acquire a fairly good speed, say 30 to 40 words per minute in typewriting, unless you possess it already. What it means ki aapko जो है शॉर्ट हैंड और ये आपका ट्रांसक्रिप्शन को आप पढ़ेंगे इस लेसन में एंड आपको अच्छी स्पीड भी होनी चाहिए. 30 से 40 वर्ड्स पर मिनट की आपकी स्पीड होनी चाहिए टाइपिंग में, ठीक है. जब तक कि आपकी और अच्छी स्पीड ना बने तो आपकी बेसिक स्पीड 30 से 40 वर्ड्स तक की तो होनी ही चाहिए, ठीक है. वेर एवर यू स्टार्ट लर्निंग एनी सब्जेक्ट और स्किल, इट इज नेसेसरी फॉर यू टू नो इट्स बैकग्राउंड इम्पोर्टेंस एंड दी मेथडोलॉजी यूज इन लर्निंग द सब्जेक्ट और अटेनिंग दैट स्किल. जब भी आप कोई भी नया सब्जेक्ट या फिर कोई भी नया स्किल स्टार्ट करते हो लर्न करना, तो ये आपके लिए बहुत ही जरूरी है कि आपको उसका बैकग्राउंड, उसका इम्पोर्टेंट और उसका मेथड ऑफ राइटिंग, ठीक है, मेथड विच वी आर यूजिंग, ठीक है, वो आपको पता होना बहुत जरूरी है उस सब्जेक्ट के बारे में जिसकी आप नॉलेज ले रहे हैं या फिर जिस स्केल की नॉलेज आप ले रहे हैं. क्लियर. यू विल देयरफॉर स्टडी इन द फर्स्ट लेसन इम्पोर्टेंस ऑफ शॉर्ट हैंड, क्वालिटीज रिक्वायर्ड फॉर ए सक्सेसफुल स्टेनोग्राफर, टेक्निक्स फॉर राइटिंग शॉर्ट हैंड and the material used in writing shorthand. आप इस first lesson में पढ़ेंगे importance shorthand की, क्या importance है shorthand की, क्या important role play करता है shorthand, उसकी qualities, क्या क्या qualities require होती है एक अच्छा stenographer बनने के लिए, क्या क्या techniques use की जाती है shorthand writing को लिखने के लिए एंड किन किन चीजों की हमें जरूरत होती है, विच मटेरियल आर रिक्वायर इन राइटिंग शॉर्ट हैंड, सो दैट यू विल लर्न इन दी अवर फर्स्ट लेसन द इंट्रोडक्शन टू स्टेनोग्राफी. क्लियर. दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज. दिस इज दी अवर इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ स्टेनोग्राफी. This is not the complete lesson 1. In our next class, we will learn about the objectives of the stenography. Clear? This is the only the introduction
part of stenography. In our coming classes, in our coming videos, we will learn more about the stenography. This is not the complete chapter of complete lesson 1. Okay, thanks for today. And lastly, do not forget to like, share and subscribe to Steno Learning. Bye bye, take care, see you in next.